पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महानगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों और छोटे कारोबारियों का उत्पीड़न न करने और बुलडोजर चलाने की धमकी देकर उजाड़ने के लिए डराने से बचने की सलाह नगर विधायक नीतीश गुप्ता ने नगर आयुक्त से मुलाकात के दौरान दी। उन्होंने जेल रोड स्थित व्यापारियों और भाजपा के महानगर अध्यक्ष और कई पार्षदों के साथ नगर आयुक्त तो दिव्यांशु पटेल से मिलकर नाराजगी जताई। कहा कि मुख्यमंत्री का संदेश है कि लोगों का बिना वजह उत्पीड़न न हो। नगर निगम की टीम ने जेल रोड पर रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों के आगे लाल निशान लगाया था, जिसका व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों ने सड़क जाम करके और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद नगर विधायक भी मौके पर पहुंच गए थे। जो दुकानों को लेकर बात थी एडवर्टाइजमेंट टाइम की, कल जैन मंदिर पे लगभग 70 से 80 खोके नगर निगम के द्वारा अलॉटेड खोके वहाँ रखे हुए थे। नगर निगम की टीम वहाँ पहुँची और उनको खोके खाली करने के लिए कहा गया शाम तक। उसमें मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है। आज एक डेलीगेशन मेरे साथ, जो जैन मंदिर के व्यापारी हैं, वो मेरे साथ आज नगर आयुक्त जी से मिले हैं और वार्ता के बाद ये निर्णय निकला है कि कोई भी खोका वहाँ से अभी नहीं हटाया जाएगा और कोई भी अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया जाएगा। उसके साथ ही साथ मुरादाबाद में लाइन पास क्षेत्र में भी और चरण सिंह चौक पे और जगह जगह नगर निगम ने जहाँ भी अतिक्रमण के लिए निशानदेही की है, वो सब अभी फिलहाल बिना वार्ता के कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसी वार्ता नगर आयुक्त साहब से हुई है और जो भी यहाँ पे सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उजाड़ने से पहले लोगों को बसाया जाए, तो उसी नीति के तहत नगर आयुक्त साहब से बात हुई है। जब तक लोगों को बसाया नहीं जाएगा, उनको उजाड़ा नहीं जाएगा और उनको भी जहाँ बसाया जाएगा उनकी सहमति और बाजार के बीच में उनको बसाया जाए, उनको पक्की दुकान बना के दी जाए, तभी वो खोके हटाए जाएंगे। अंदर से पहले खोके कोई नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्तालाप हो गई है, पूरी वार्तालाप हुई है और मेरे को लगता है कि जो वार्तालाप हुई है उस पर प्रशासन पूरी तरीके से उसका सम्मान करेगा। जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में एक 45 दिनों का अतिक्रमण विरोधी रोस्टर जारी किया गया था, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में दो दिन से अभियान चल रहा था, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के मौजूदगी में कार्रवाई हो रही थी। जिस विषय की बात आपने की है उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय नगर विधायक आज वार्ता के लिए आए थे और हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त चीफ इंजीनियर की संयुक्त टीम बना के तत्काल मौके पर एक सर्वेक्षण के लिए भी भेजा गया था। माननीय नगर विधायक ने सारी वार्ता के बाद अपनी संतुष्टि जाहिर की है कि जो भी अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो जारी रहे, सुसंगत नियमों के आधार पर निरंतर ये अभियान जारी रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाला चोक होने से आम जनमानस को परेशानी होती है। और साथ ही जो हमारी टीम गई थी और हमारे जो सम्मानित व्यापारी गण है उनके द्वारा भी यह सहमति जताई गई कि जहाँ जहाँ भी नाले की सफाई की आवश्यकता होगी वो सभी सहयोग करेंगे। यदि कहीं ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके पुनर्वास या रिप्लेसमेंट की व्यवस्था वैकल्पिक जमीन पर या जो भी नियम और शासनादेश कहते हैं उसके क्रम में की जाएगी। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि मुरादाबाद में बीते कुछ दिनों में कुछ मोहल्लों में नाव तक चलाने की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको देखते हुए DM सर और मेरे द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया कि जिस मोहल्ले में नाव चलाने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा नालों पर पक्की दुकानें बनाई गई हैं और एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ये पाया गया कि वो PWD की जमीन है, PWD की रोड है। सभी को DM सर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम और MDA के संयुक्त तत्वाधान में ये सारे अतिक्रमण हटाए जाए क्योंकि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ है कि नाले हमारे चोक रहे हैं और एक हल्की सी भी बारिश से जो जल भराव आप लोग देखते हैं वह तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक नाले के पूरे अतिक्रमण को हटाकर एक समेकित तरीके से हम सफाई न करा दें। सर, विधायक जी का कहना है कि 2024 का इलेक्शन जो हारे हैं वो भी इन जैसे अधिकारियों की वजह से हारे हैं जो कि कुछ सोचते समझते नहीं है और बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।